जी yeah, हाँ वो एक्चुअली संडे uh, को hmm. uh, एक सिक्सटी मिनट करके शो था उसमें सी बी एस को पूरा इंटरव्यू था तो उसमें उन्होंने कहा है कि आई सी थ्री कट्स इन दिस ईयर तो सब मार्केट तो होप लगा बट था सवा परसेंट डेढ़ परसेंट तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तीन कट हो सकती हैं और डेटा हम लोग देखें कैसे पैन आउट होता है तो सर्टनिटी के साथ उन्होंने ये कुछ भी निकाल कि आप एकदम घबरा जाएँ डर जाएँ लेकिन नो डाउट कि बेस वहीं से बना और पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आ, रेट कट की जो होप थी वो जो बिल्ड हो गई थी वो धीरे धीरे फिजल आउट होती हुई दिख रही तो इसीलिए कल यूएस के मार्केट गिरे लेकिन डेज लो से बहुत अच्छी रिकवरी हुई एस में और वो उतना नहीं गिरे जितना हमको लग रहा था कि एक समय तक वो पौने पौना परसेंट तक गिर गया था लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई और फिर बंद हुए तीनों इंडासेस में वीकनेस देखने को मिली है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाइना की तरफ से भी आया वहाँ से भी मूड काफ़ी ख़राब था कल वहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स छः परसेंट गिर के बंद हुआ वहाँ पे लोग अजीब स्थिति कर रहे हैं जो बड़ा वाला इंडेक्स है उनका सी एस आई हंड्रेड वहाँ लॉन्ग कर रहे हैं सी एस आई वन थाउजेंड शॉर्ट कर रहे हैं तो इस, इसी को रोकने के लिए वहाँ का रेगुलेटर आ गया है लेकिन यू एस मार्केट में कल थोड़ी वीकनेस थी और उस बयान के या उस इंटरव्यू के चलने के बाद बॉन्ड डील में बहुत शार्प जंप आया है दस साल की बॉन्ड डील 4.142 और दो साल वाली साढ़े चार लगभग 4.45 के आसपास तो ये जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है और डॉलर इंडेक्स भी 104 पहुंच गया है क्योंकि वो अब लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी रेट कट होगा इसमें दो चीज़ों ने और कंट्रीब्यूट किया है ये बाउंड केवल स्टेटमेंट में नहीं थी यू एस का जो पी एम आई डेटा आया है कल वो बहुत स्ट्रांग है फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर आया है फिफ्टी टू का एक्सपेक्टेशन था तो पचास से ऊपर जो भी आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा होता है तो उसने भी कंट्रीब्यूट किया और जॉब रिपोर्ट तो आई चुकी थी पहले तो ये सारी चीज़ें मिल करके बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी को मार्केट पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि रेट कट में वो दिक्कत करेगा लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग हम आपको बताना चाहते हैं मैंने कई बार आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो जॉब डेटा आया इस बार ना वो बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं क्योंकि जनवरी में बहुत सारी जो है छटनी होती है मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ बत्तीस लोगों को निकाला जा चुका है यू के आई सेक्टर में और अभी कल अनाउंस किया सैप ने कि दस परसेंट लोगों की और उछटनी करेगा तो ये जो मैसिव लोगों का ले ऑफ़ होता है ये वो सीजनल होता है वहाँ पर कि जनवरी में हमेशा ऐसा होता है तो उसी के कॉन्ट्रास्ट में लोग भर्ती भी किए जाते हैं तो इसलिए वो नंबर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टॉटेड दिखता है तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को देखना चाहिए दूसरा एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट बात बता रहा हूँ आपको फेड ये भी मान रहा है कि एकस द बैंक एक्रॉस द टाइम फ्रेम लोन की डिमांड गिर रही है ये फेट का स्टेटमेंट है तो ये दो चीज़ें अब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती कि आपकी लोन डिमांड भी गिर रही है और इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही है तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारे जो डेटा है ना इस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है बहुत सस्टेनेबल नहीं है इसलिए रेट कट की उम्मीद बनी रहेगी टाइमिंग का खाली इशू है कि मार्च में तो बिल्कुल नहीं होगी अप्रैल में बिल्कुल नहीं होगी मई में बिल्कुल नहीं होगी जून में होगी या उससे आगे हो सकती है तो इसलिए मार्केट में एक अच्छी बात है इसलिए मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूट नहीं रहा वरना अब तक तो मार्केट बहुत गिर जाना चाहिए था तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है मार्केट का इस लिहाज से इसको ध्यान रखना चाहिए एक और बड़ी फन फैक्ट बताऊँगा अर्जद आपको यू प्रेसिडेंट का जो आखिरी साल होता है यानी फोर्थ ईयर में जब होते हैं तो उसमें मार्च तक मार्केट गिरता है और अप्रैल से फिर वो बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल लेते हुए मार्केट चलता है तो आप इसके आधार पर आप कम से कम अभी 45 दिन और मान के चलिए कि मार्केट ऐसे ही रहेगा कल <laughs> <laughs> वो एक डेटा निकाला गया कि एवरी प्रेसिडेंट के लास्ट ईयर में शुरू के तीन महीने मार्केट गिरता है तो ठीक है तो अब डेटा पॉइंट सामने आ गया है, तो उसको ही देखना है में आपको किस तरह से गए थे, तो और मामला बेगड़ गया। क्योंकि वो ये नहीं बता रहे कि वो क्या एग्जैक्ट स्टेप ले रहे हैं खाली हाँ। ये कह रहे हैं कि हम कर्व कर देंगे शॉर्ट सेलिंग नहीं करने देंगे आपको उसके चक्कर में लोग और पैनिक कर रहे हैं और उनको पता है कि छोटे वाले शेयर ज्यादा बड़े तो वहीं गिरेगा तो वहां पे शॉर्ट कर रहे हैं बड़े वाले लॉन्ग कर रहे हैं

Yeah, mildly negative. Mildly negative है, mm -hmm. क्योंकि डाउ uh, में देख रही थी में, mm -hmm. 400 पॉइंट तक टूट रहा था फिर आज सुबह देखा है तो चौहत्तर अंको का ही है तो रिकवरी जरूर हुई है लेकिन हा वो डील का खतरा है वो चिंता बनी हुई है ऐसे में वीरू बताइए मंगलवार मंगलमय रहेगा या नहीं क्या कह रहे हैं आपके संकेत गुड <laughs> मॉर्निंग